क्या आप जानते हैं एलोवेरा में मोर देन 75 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हेल्प करता है बालों को जल्दी ग्रो करने के लिए। मैं हूं ज्योति और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसा हेयर मास्क जो हेल्प करता है हमारे बालों को जल्दी ग्रो करने के लिए, और साथ में अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, इचीनेस है और बाल बीच में से टूटते हैं तो ये हेयर मास्क यूज करते ही हमारे मेजर बालों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या है ये हेयर मास्क, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास ही में एक बेल आइकन है आप इसे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशंस आएंगे और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलोवेरा बालों को शाइनी बनाता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, डैंड्रफ रिड्यूस करता है और ये बालों का पीएच लेवल मेंटेन रखता है। कोकोनट ऑयल बालों को कंडीशन करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और प्रिवेंट करता है बालों के हेयर लॉस को। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ, ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो टू द स्कैल्प जिसकी वजह से हमारे बाल काफ़ी जल्दी ग्रो होते हैं। डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है और ये प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो मिक्सिंग रेशो की तरफ, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से एलोवेरा जेल ले सकते हो। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और साथ में 5 to 7 drops ऑफ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। चलिए बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो सबसे पहले बालों में से टैंगल निकाल लीजिए। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, टैंगल निकालने के बाद में ईजी हो जाता है मास्क लगाना। तो मास्क लगाते वक्त आप इसे छोटे सेक्शंस में लगाइए या फिर जैसे हम ऑयल लगाते हैं उस तरह से भी आप लगाइए। मैं मेंटेनेंस की तरफ ज़्यादा लगाने के लिए बताऊंगी क्योंकि यहाँ के बालों को काफ़ी शाइन और नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद में आप बालों में अच्छे से मसाज दीजिए फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि मसाज हेल्प करता है बालों के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और इसके अलावा ये हेयर ग्रोथ को भी काफ़ी प्रमोट करता है। जब मास्क लग जाए तो इसे आप 1 hour से लेकर 2 hours तक अपने बालों में रखिए, फिर इसे नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लीजिए। मैंने हेयर वॉश किया है और आप देख सकते हो कि बालों में कितना शाइन आ गया है। आप एटलीस्ट एक बार इस हेयर मास्क को ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आप अपने बालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाओगे। जैसे आपके बाल अगर ड्राई है, फीजी है, रफ है, ब्रिटल है और बीच से टूटते हैं, और बालों के हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है। आप इसे एक बार यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप इस हेयर केयर रेजिम में आप इसे इंक्लूड करोगे। तो फ्रेंड्स, आप ये मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मेरे वीडियोज़ को आप शेयर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।